आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। बस सर, बात ताकत दिखाने का नहीं, बात है कि ताकतवर हम लोग हैं ही चुनावी माहौल में। तो क्या होगा, जो आईपी गुप्ता बोलेगा वही होगा। आईपी गुप्ता जो बोलेंगे वही करेंगे। हाँ, वही करेंगे। समाज को आज तक कोई दर्जा नहीं दिया है, हम लोग लुढ़क रहे हैं। जैसे लोटा में अगर पेंदा नहीं है तो वो इधर से उधर लुढ़क जाता है, उसी प्रकार हम लोग लुढ़क रहे हैं अब तक। इस बात यही करेंगे कि हम लोग भी सोच समझ के वोट देंगे, किसको देना है नहीं देना है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, आदरणीय राहुल गांधी जी से ये मांग करते हैं कि हर जाति को अधिकार मिला है, उसी तरह पान जाति को बिहार में अधिकार मिलना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव की चुनावी यात्रा की शुरुआत हो गई है। आप सबको पता है कि भारत लाइव की गाड़ी और उसकी जो चुनावी यात्रा है, चुनाव के अनाउंसमेंट से पहले ही कई लोकसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर चुकी है और वहां की परिस्थितियां क्या हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं, उन सभी को बताया है। चूंकि अब हमारा धर्म है कि लोकसभा के अनाउंसमेंट के बाद, अब चूंकि नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है, इस वक्त हम लोग जमुई में हैं। जमुई में आपने देखा कि नामांकन दाखिल किया जा चुका है अर्चना रविदास राजद के तरफ से, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से चिराग पासवान ने इस बार विक्टिम कार्ड खेलते हुए अपने एक परिवार के सदस्य को बड़ा मौका दिया है। चिराग के जीजा अरुण भारती ने यहाँ पर नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन चूंकि जमुई की जो सीट है, इस सीट को लेकर के कई राजनीतिक विश्लेषक या फिर हमारे संपादक नमन मिश्रा सर भी कई बातें कहते नजर आए थे आपको। जमुई की सीट चूंकि जिस तरीके से कई मायनों में और यहाँ के जो वोटर्स की अगर देखे, सबसे ज़्यादा अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये तमाम लोगों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। तो जिस वजह से इनका क्या राजनीतिक समीकरण इस बार बैठेगा, चिराग पासवान एनडीए के तरफ से इन्होंने अपने जीजा को खड़ा किया है, तो क्या लगेगा, क्या होता है इस बार, क्या ये लड़ाई चिराग पासवान के जीजा के लिए इतनी आसान होगी। लालू प्रसाद यादव ने अति पिछड़ा को मौका दिया है, अर्चना रविदास जो रविदास समाज से आती हैं उनको बड़ा मौका दिया, तो इस लड़ाई में, इस चुनावी दंगल में चिराग पासवान के जीजा के लिए कितना राह आसान होगा। चूंकि चिराग पासवान इस बार खुद चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो किसके भरोसे ये जमुई की सीट अपनी जीजा के लिए छोड़ रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। कौन से लोग उनको सपोर्ट करेंगे? चिराग पासवान के लिए एक एंटी इनकम्बेंसी बड़ी काम आ रही थी यहाँ पर, अब बाहरी भीतरी का नारा भी यहाँ पर लगता हुआ दिख रहा है। तो किसके भरोसे चिराग पासवान जीतेंगे यहाँ पर, कौन है वो व्यक्ति, कौन से ऐसे समीकरण चिराग पासवान ने बैठा दिया है जिस समीकरण के बदौलत उनके जीजा यहाँ पर चुनाव जीतेंगे। ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान के जीजा के बारे में, चूंकि पहली बार वो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो ये राहें कितनी आसान होने वाली है। भारत लाइव की टीम आज इसी विषय को जानने के लिए कई जमुई लोकसभा क्षेत्रों के गांवों में घूम रही है। बिठुलपुर गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। एक कैमरा जरा सा पैन कीजिए और दिखाइए कि ये गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, और सबसे खास बात, पान समाज से आने वाले ये सभी यहाँ के ग्रामीण जनता हैं। पान समाज, चूंकि यहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा वोट है यहाँ पर, और पान समाज के एक बड़े नेता जिनका नाम आईपी गुप्ता है, कांग्रेस की सीट यहाँ पर वो चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने अब ये सीट समस्तीपुर को दे दिया है। तो क्या लग रहा है, आईपी गुप्ता, पान समाज, एक बड़ा वोट बैंक चिराग पासवान के लिए कितना ज़्यादा, चिराग पासवान के जीजा के लिए कितना बड़ा मायने रखता है, इस पर प्रश्न करेंगे। कई ग्रामीण हैं, सबसे पहले युवा से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, ये बताइए क्या होगा इस बार, लड़ाई तो बड़ी कठिन लग रही है। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती भी हैं, अर्चना रविदास हैं, रविदास समाज से लालू प्रसाद यादव ने जातीय कार्ड खेला है, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? देखिए, इस बार हम लोग पांच जाति से हैं, समझ गए ना, और हम लोग पांच जाति, हमारे गार्जियन हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता, और हम लोग जाना जिधर वो बोलेंगे हम लोग को, उधर हम लोग वोट करेंगे, और हम लोग
निर्णायक वोट होगा हम लोग को पांच जाति का, चाहे वो अगर लोजपा में बोलेंगे तो लोजपा में वोट करेंगे, अगर वो आरजेडी में बोलेंगे तो आरजेडी में वोट करेंगे। अच्छा, समझे। और हम लोग यहाँ का जो तमाम गांव है, हम लोग हर गांव में 100-150 घर हैं, आप चाहे जिधर देख ले, चाहे वो मरकट्टा हो, अमारी हो, बिटलपुर हो, गोपालपुर हो, हरनी हो, इधर आप नवकाडी हो, गौरा हो, पोस्तैया हो, जिधर जाइएगा तमाम गाँव में मेरी पांच जाति का मिलेगा। 100-150 घर तमाम में है, 500-400 करके वोट तमाम गांव में है। मतलब आईपी गुप्ता कहेंगे तो आप लोग समर्थन करेंगे? हम लोग गार्जियन है। अच्छा, वो जिधर निर्णय करेंगे हम लोग उनका वोट करेंगे, चाहे वो अगर बोलेंगे कि लोजपा में वोट करना है तो लोजपा में वोट करेंगे। वो लोजपा में कहेंगे वोट करने के लिए, मैं ऐसा तो गठबंधन धर्म के नियम के खिलाफ हो जाएगा। एक चिराग पासवान के साथ तस्वीर भी वायरल। हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, हम लोग को जो जाना वैल्यू देगा, हम लोगों को जिस पार्टी वैल्यू देगा, हम हमारे गार्जियन गुप्ता जी को, आईपी गुप्ता को, हम लोग उनके साथ हैं। वो जिधर कहेंगे हम लोग उधर वोट करेंगे। हम लोग किसी पार्टी को नहीं जानते, हम लोग सिर्फ आईपी गुप्ता को जानते हैं। आईपी गुप्ता को जी जानते हैं। और भी कुछ युवा साथी इनसे बातचीत करना। हम लोगों का जो वोट होगा वो निर्णायक वोट होगा, ये हम आपको लिख के दे सकते हैं। ऐसे हम लोगों का फोन अरुण भारती तक भी आया, लोजपा से भी बुलाहट आया, लेकिन हम लोग मिलने नहीं गए, मिलने के लिए बुलाया गया है लेकिन हम लोग नहीं गए। हम लोग जब तक गार्जियन आदेश नहीं करेगा हम लोग नहीं जाएंगे। क्यों मतलब लग रहा है कि आप लोग इतना बड़ा फैक्टर बन जाएंगे अरुण भारती के लिए कि वो यहाँ से चुनाव निकाल देंगे? चिराग पासवान के लिए भी बड़ा मुश्किल है ये सीट निकाल पाना, तो ऐसा क्या कारण बन गया, क्या वजह बन गया आप लोगों के लिए? वजह देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बस वजह ये है कि हम लोग जिधर वोट करेंगे, जिधर हम लोग पांच जाति मिलके सारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जिधर करेंगे उन्हीं का जीत होगी। ये निर्णायक वोट है हम लोग, इसमें कोई दूमत नहीं है। आप चाहे तो सर्वे भी करवा सकते हैं। यहाँ का तमाम गांव में मेरी जाति मिलेगा, आप जिस गांव में जाइएगा। अच्छा, ये बताइए भाई कि मतलब पान समाज इतना बड़ा वोट बैंक चिराग पासवान के साथ क्यों जाएगा? आपके नेता तो कांग्रेस से लड़ना चाहते थे लेकिन सीट तो मिली नहीं, चिराग पासवान के साथ भी तस्वीर आ गई उनकी, तो क्यों मतलब ऐसा क्यों? तस्वीर एक मिलन जुलन तो हर नेता का होता है, वो तस्वीर से मायने नहीं निकाल सकता है कि हमारे आईपी गुप्ता जी होली था मिलने गया, उसे ये नहीं निकाला जा सकता कि हमारे आईपी गुप्ता चिराग पासवान के साथ है। ऐसा कुछ नहीं, एक औपचारिक मुलाकात था, वो होली का त्योहार था, मिलने गया, ऐसा कुछ नहीं। और हमारे आईपी गुप्ता जो भी कहेंगे, जिधर कहेंगे उधर वोट देंगे। तो एक तरह से देखा जाए कि महागठबंधन में चुकी हैं तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि अर्चना रविदास को समर्थन करें। अर्चना रविदास को समर्थन करेंगे आप लोग? अब जिधर कहेंगे अर्चना रविदास को कहेंगे अर्चना रविदास को, क्योंकि हम लोग का गार्जियन वो है। और हम सभी नेताओं से, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, आदरणीय राहुल गांधी जी से ये मांग करते हैं कि हर जाति को अधिकार मिला है, उसी तरह पान जाति को बिहार में अधिकार मिलना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस आप लेकर के चल रहे हैं, बताइए आपके नेता को तो टिकट नहीं मिलता है? टिकट हम लोग निर्णायक वोट हैं, अगर नहीं देगा टिकट तो अभी दिखा देंगे कि पान भी एक बिहार में जात है बस। अच्छा, बड़ी ताकत दिखाएंगे। देखिए कुछ बुजुर्ग ग्रामीण भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक एक करके सबसे यहाँ पर राय टटोल लेते हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मिथुन कुमार है। आप लोग बड़ा मतलब लग रहा है ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आईपी गुप्ता जिधर कहेंगे उधर हम वोट गिराएंगे, इतना कॉन्फिडेंस और इतना मतलब क्यों लग रहा है ऐसा कि ये बात? ताकत दिखाने का नहीं, बात है कि ताकतवर हम लोग हैं ही चुनावी माहौल में, और हम लोग 100% ये कहेंगे कि हम लोग वाकई में निर्णायक वोट हैं। और हमारे गार्जियन स्वरूप जो इंजीनियर आईपी गुप्ता जी हैं, जिन्होंने हम लोग को बहुत सा मान सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं, हम लोग पूरा समाज उनके समर्थन में है। वो जिधर जैसे चाहेंगे उधर हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे बस। क्यों क्यों ऐसा लग रहा है? क्यों मतलब हर एक चाह रहा है कि अपना अपना स्वजातीय का मतलब विकास हो, उसी में हम भी चाह रहे हैं मेरा भी स्वजातीय का विकास हो। अच्छा, बस ये बताइए कि गठबंधन के हिसाब से मतलब जो जमुई की सीट थी कांग्रेस लगातार मांग रही थी, आपके नेता भी कह रहे थे कि भाई मुझे सीट मिलना चाहिए, अब तो मिला नहीं, टिकट तो मिल नहीं रहा है, समर्थन कैसे आप लोग दे देंगे? समर्थन उनके जो डिसीजन पर देंगे, टिकट तो मिला नहीं, टिकट तो जम्मू का जो हाईजैक कर लिया गया, वो टिकट वितरण हुआ कहाँ? ये तो हाईजैक हुआ है, हाईजैक कर लिया जी। अच्छा, ये टिकट वितरण हुआ कहाँ? हाँ, टिकट मिला उधर आरजेडी की तरफ से अर्चना रविदास को, हस्बैंड उसका है मुकेश यादव, हाँ ये तो हाईजैक कर लिया गया। टिकट का तो मतलब कोई मतलब है नहीं,
अगर यादव कोई टिकट होना तो ये सुरक्षित सीट होना ही नहीं था, कोई अदर यादव हो राजपूत हो कोई भी किसी को भी टिकट मिल जाता। सुरक्षित सीट रहने का मतलब है कि जो है सुरक्षित उसको मिलना चाहिए, तो इसको तो हाईजैक करने का काम किया आरजेडी। अच्छा एक बात, एक प्रश्न ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि बिना आईपी गुप्ता के हम किधर भी समर्थन नहीं कर सकते हैं, तस्वीर वायरल होने के बाद लग रहा है कि मतलब चिराग की तरफ आप लोग। जैसे तस्वीर वायरल का कोई मतलब बात नहीं बनता है, ये होली मिलन समारोह, एक दोस्त दुश्मन भी लोग मिलता है तो वो होली के पर्पज से अपना मिले होंगे, उसके लिए कहीं कोई बात नहीं है। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? अगर तस्वीर वायरल हुआ है चिराग पासवान, अगर चिराग पासवान हमको क्या सम्मान देने का काम करेंगे, अगर वायरल हो गया अगर सम्मान देने का काम करेंगे तो पूरा पान समाज के क्या चिराग पासवान के साथ रहेंगे। हाँ उनके समर्थन में, हाँ उनके समर्थन में अगर क्या वायरल हुआ और सम्मान अगर देंगे आईपी गुप्ता को तो चिराग पासवान के साथ रहेंगे हम लोग। बताइए टिकट नहीं मिला आपके नेताजी को? अभी भी चांस है ना, अभी भी की क्या समस्तीपुर खाली पड़ा हुआ, अभी कोई भी घोषणा नहीं किया है, अभी भी की क्या आईपी गुप्ता को समस्तीपुर से दे सकते हैं टिकट। जमुई से चाहते थे कि जमुई से मुझे टिकट मिल जाए, ठीक है जमुई से नहीं मिला, नहीं मिल पाया, लेकिन अब तो समस्तीपुर बचा हुआ, समस्तीपुर में भी मेरा पान का की क्या बहुत बड़ा संख्या है, वहां से भी की क्या हमारा निर्णायक वोट है, अगर वहां से मेरा की क्या कांग्रेस आरजेडी या की क्या जो सम्मान देने का काम करेगा आईपी गुप्ता को, वहां से जो टिकट देगा उसके साथ रहेंगे। क्या लग रहा है कि मतलब टिकट नहीं दिया गया यहाँ से, आपके समाज के आपके नेताओं आपके लोगों को नहीं तवज्जो दे रही है क्या सरकार? नहीं दे रही है तो क्योंकि हम लोग भी बता देंगे, हम लोग भी एकजुट हैं, हम लोग वोट से बता देंगे कि हमको क्यों सम्मान नहीं दे रहा तो हम क्या करने जा रहे हैं और क्या करेंगे। जब एक आह्वान पर कि बापू समागर भर सकता है पी गुप्ता, तो एक आह्वान पर पूरा बिहार एक तरफ वोट कर सकते हैं हम लोग, पूरा पांच समाज। हाँ इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी ताकत है। जब आप लोग मीडिया वाले देखे है ना कि बापू समागर में खड़ा होने का जगह नहीं था, एक आह्वान खाली बिहार में घूम गए कि पूरा पटना की भर गया था, एक आह्वान अगर गुप्ता जी करेंगे ना पूरा पांच समाज की क्या एक तरफ वोट करेंगे, पूरा बिहार का बात करते हैं जम्मू का नहीं। तो पांच समाज तो मुझे लगता है गठबंधन धर्म के हिसाब से जब आईपी गुप्ता जी कहेंगे कि भाई अर्चना रविदास जी को समर्थन कीजिए, आप लोग करेंगे आप लोग? ऐसा तो कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है चूंकि वो कहेंगे ही नहीं। क्यों? वो जान रहे हैं कि हमारा सीट को हाईजैक कर लिया गया है। बस दुखी है आप लोग? बस बहुत दुखी है, ऐसा लग रहा है कि मतलब छल किया गया आपके समाज। बस उसको आप जो कहिए, छल बल कल हाईजैक जो कहिए सब उस पे लागू होगा। चलिए और भी कुछ युवा साथी इनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? विकास कुमार। यही गांव से हैं आप? यही गांव। क्या लग रहा है इस बार बदलाव किया हर्ट आपके नेता एक बड़ी लड़ाई यहां पे लड़ रहे थे, टिकट उनको नहीं मिला, चिराग पासवान के बारे में कही जा रही है, उनके जीजा आ चुके हैं यहां पर चुनाव मैदान में, क्या लग रहा है? क्या देखिए भैया, हम लोग का जितना आबादी यहां पे है और हम लोग का जिस तरह से एकता बना हुआ है, हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता जिस तरह से हम लोगों का एक गार्जियन स्वरूप नेता है और जिस तरह से वो हम लोगों का एक एकता का बल देने का काम किया, सम्मान हम लोगों को पहुंचाया ऊंचे तक, पहले लोग कहीं तक जानता भी नहीं था, तो हम लोग के पास अभी इतना ताकत है कि हम लोग जिधर वोट करेंगे ना अब वही जीतेगा। ये इतना मतलब कॉन्फिडेंस क्यों है आप लोगों को, इतना ज्यादा मतलब क्यों लग रहा है आप ही लोग गेम चेंजर हैं क्या पॉलिटिक्स? जैसे ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग गेम चेंजर हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग इतना कॉन्फिडेंस इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों का इतना आबादी होते हुए भी हम लोग का अभी तक सम्मान नहीं मिल पा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? कौन सम्मान नहीं दे रहा आप लोगों को? जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो आदरणीय लालू यादव प्रसाद हो या फिर हमारे राहुल गांधी हो या फिर चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, कहीं से हमें सम्मान नहीं मिल रहा है कोई भी पार्टी से नहीं, जबकि हमारी आबादी लगभग 40 से पूरे बिहार में 40 से 50 लाख तक है, तब हमें नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब है तो हम लोग कहीं भी जहां भी उनका समर्थन रहेगा, जहां वो आदेश देंगे कि यहां पे वोट करना है, हम लोग करने के लिए तैयार है। किसे क्या लग रहा है पी गुप्ता जी कैसे समर्थन? आप थोड़ा दूर हो जाइए, सब मिलकर बोलना, मैं बोलूंगा। अच्छा। थोड़ा दूर हो जाइए। आपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस सर हमको और कुछ नहीं बोलना है। इसके बाद आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, क्यों? कुछ नहीं, इतना प्यार है आईपी गुप्ता के लिए। प्यार है, सब चीज है। क्यों मतलब लग रहा है कि ठगा गया क्या आप लोग? क्या ठगा गया है क्या आप लोग? नहीं कुछ नहीं हुआ हम लोगों को, हम लोग ठीक है। ठगा गया तो बात छोड़िए, हम लोग फिर भी ठीक है। ठगा गया
ठका तो गेबे कर रहा है, लेकिन आईपी गुप्ता जिंदाबाद। क्या किसको समर्थन रहेगा इस बार? इस बार आईपी गुप्ता का रहेगा। तो टिकट तो मिला नहीं, कैसा समर्थन आप करेंगे? सर जो बोलेंगे वही करेंगे। सर जो बोलेंगे वही करेंगे। ठीक, मतलब इतना भरोसा है उन पे कि सर अच्छा फैसला लेंगे? हाँ, क्यों सर फैसला लेंगे, बढ़िया काम करेंगे। सर का हम भरोसा है हमारे ऊपर और हमको उनके ऊपर भरोसा है। इतना भरोसा क्यों है? बहुत भरोसा। लगाव क्यों है आपको इनसे? लगाव है सर, बहुत अच्छा लगाव है और आगे आप जानते हैं खुद। चलिए, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है काका? हमको सुंदर जाती। क्या क्या लग रहा है इस बार जमुई में, क्या मतलब होगा इस बार? अब तो क्या होगा, जो आईपी गुप्ता बोलेगा वही होगा। आईपी गुप्ता जो बोलेंगे वही करेंगे। हाँ, वही करेंगे। रविदास को वोट करना है क्या? नहीं, जहाँ वो कह देगा वो वही करेंगे। क्या लग रहा है कि मतलब आपके नेताजी चाहते थे कि भाई टिकट मिल जाए, पान समाज को बड़े ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे, कई सपने थे, हमने आके देखा भी है, लेकिन अचानक टिकट कट गया उनका। कट गया तो जहां वो कह देंगे कि यहां वोट करो वहीं करेंगे। बस क्या चाहिए जमुई की जनता को, क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं? जो हमको कहेगा कि फलना जगह वोट कीजिए वहीं करेंगे। बस क्या लग रहा है, क्या मतलब दिक्कत हो गया कि पान समाज को लोग देखना नहीं चाह रहे हैं? नहीं देखना चाह रहा है, इसीलिए करके तो हम लोग उनको भज रहे हैं। बस क्या कहेंगे काका? सर हमारे लोग नेता तो अभी आईपी गुप्ता ही हैं। आईपी गुप्ता को टिकट नहीं मिला, फिर भी वो जो पार्टी में सटेगा तो उसके आधार से हम लोग को काम होगा, तो इसलिए हम लोग आप आईपी गुप्ता का ही समर्थन करेंगे, जिससे कि हम लोग को फायदा होगा। फायदा होगा किधर मतलब लग रहा है? चिराग के अब तो जीजा आ गए हैं उनके जगह पर। यदि चिराग पासवान को मदद करेंगे तो हम लोग चिराग पासवान को वोट देंगे। लग रहा है कि चिराग मतलब बदलाव कर सकते हैं, उनके जीजा बदलाव कर सकते हैं। वो यदि आईपी गुप्ता बोलेंगे कि यही पार्टी से हमारा लाभ होगा तो हम लोग उसको साथ हैं। आईपी गुप्ता बोल देंगे कि चिराग पासवान को ही वोट करना है तो सब लोग करेंगे। आईपी गुप्ता को समर्थन आप लोग मतलब करेंगे? जी 16 आना से 20 आना समाज करेंगे आईपी गुप्ता का। मतलब आईपी गुप्ता पर इतना भरोसा क्यों हो रहा है आप लोगों को? ना हम लोग का भरोसा है, आज कुछ होता है तो हम उन्हीं के पास जाते हैं और किन्हीं के पास नहीं जाते हैं। अच्छा, मदद करते हैं आप लोग? मदद करता और करेंगे भी उनको। मेरा नाम शंभू ताती है। शंभू ताती हैं, आप पान समाज से आते हैं, एक बड़ा वोट बैंक है आप लोगों का। बदलाव की आहट हो लग रहा है, जैसे कि आप लोग गेम चेंजर हैं, इतना कॉन्फिडेंस है, घमंड तो नहीं है कहीं आप लोग? नहीं नहीं, घमंड नहीं है। हम लोग आईपी गुप्ता को नेता मान चुके हैं, टिकट दे नहीं दे उससे कोई मतलब नहीं है। आईपी गुप्ता जहाँ रहेंगे, जहाँ उनको सम्मान मिलेगा, और जब आईपी गुप्ता को सम्मान मिल जाएगा तो हमको भरोसा है कि हमारे समाज को भी सम्मान मिलेगा। इतना भावुकता पल लग रहा है जैसे आप रो देंगे, इतना भावुकता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे समाज को आज तक कोई दर्जा नहीं दिया है। हम लोग लुढ़क रहे हैं, जैसे लोटा में अगर पेंदा नहीं है तो वो इधर से उधर लुढ़क जाता है, उसी प्रकार हम लोग लुढ़क रहे हैं। अब तक हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो आईपी गुप्ता जब इसमें पांव रोपे हैं, राजनीति की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पास तो कुछ तजुर्बा होगा ना। वो अपना देख करके जहां उसको लगेगा कि हमको सम्मान मिलने वाला है, दर्जा मिलने वाला है, वहीं तो हमको सलाह देगा कि वोट करने के लिए। इसलिए हम उनको नेता मान लिए हैं, वो जहां कहेंगे हम वहीं हैं, और मेरा वोट जहां भी जाएगा, क्योंकि सबका अपना अपना वोट होता है, लेकिन मेरा वोट अभी जो है जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा, और जहाँ जाएगा वो निर्णय बना करके जाएगा और उसका विजय प्राप्त करेगा, ये मेरा भरोसा। मतलब ये मान लिया जाए कि चाहे कोई भी कैंडिडेट हो इस जमुई लोकसभा क्षेत्र में, बिना पान समाज के वो नैया पार नहीं कर सकती है, यही नहीं जी, जी। क्यों मतलब इतना लगाव, इतना भावुक आप हो रहे थे आईपी गुप्ता के बारे में बोल बोल के? इसलिए वो मेरा गार्जियन स्वरूप है, जमुई में हमारा देख रेख करने वाला वही है, और हमको कौन देखने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। वक्त बे वक्त पर वो साथ देते हैं, आते हैं, मिलते हैं, साथ में बैठते हैं, हमारे साथ बैठने वाला कोई नेता नहीं है। कम से कम दुख में सुख में एक साथ बैठ करके भाईचारा तो निभाते हैं, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा।
देखिए आईपी गुप्ता के समर्थन में तमाम जनता है यहाँ की, और जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं कि आईपी गुप्ता जिधर कहेंगे उधर जो है हमारा वोट जाएगा, यानी कि एक पान समाज जो 2.5 लाख के करीब में, 2.5 लाख से ज़्यादा इनका एक बड़ा वोट बैंक है, ये तमाम जो ग्रामीण थे, चूँकि हम जिस रास्ते से गुजर रहे थे हमारी चुनावी जो चक्का है गाड़ी की वो घूम रही थी, तो हमने लोगों से जानने की कोशिश की जमुई में चिराग पासवान भाई अपने जीजा किसके भरोसे छोड़े हुए हैं, तो यही वो जनता है जो शायद गेम चेंजर जमुई के लिए बन सकती है। कुछ और भी बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है? हाँ, मिथिलेश तांती। क्या लग रहा है, क्या होगा जमुई में इस बार? जमुई में वही होगा, सब तो अपने अपने जाति मर रहा है, और हम लोगों के आज तक कोई वैल्यू नहीं किया है कि पान समाज का क्या मान सम्मान होना चाहिए। जहाँ भी गया कोई बात नहीं, जाओ हो गया खत्म करो जाओ, नहीं है कोई यहाँ, अभी बाद में आएगा। ऐसा नहीं तो पान समाज का जो भाव करेगा और वैल्यू करेगा जो रखेगा सही में, उसी को करेंगे वोट। आरपी गुप्ता जी हम लोगों का थ्रेस है, अभी जरूरत पड़ेगा अभी आएगा, सुबह जरूरत पड़ेगा सुबह आएगा, तो हम लोगों भी उसी का ये कर रहे हैं कि जहां हम लोगों का इतना खर्च करके नहीं टिकट मिला तो कितना आदमी क्या करे। हम लोगों का बहुत पिछड़ी जाति में है और हम लोग के पास कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। क्या करेंगे इस बार आप? इस बार तो यही करेंगे कि हम लोग भी सोच समझ के वोट देंगे, किसको देना है नहीं देना है। क्या कीजिएगा इस बार बताइए। चलिए देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी से लेकर के हर राजनीतिक दल अपने अलग तरीके की राजनीति करता है। महिलाएं यहां पर बैठी हुई हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। चाची क्या है, क्या लग रहा है इस बार जमुई में क्या होगा? अच्छा ये बताइए क्या बदलाव चाहती हैं, क्या बदलाव चाहती हैं जमुई में? जाने सब देते हो नहीं देवे, जाने खाते सब होने देने देता है समाज में, समाज लग न चल रहे, समाज लग न जाने देते, समाज तने दे देवे। दिक्कत होते ही आपके की दिक्कत है? का बदलाव चाहिए जमुई में? हमरा की जानवे हमें बेटा ना, आईपी गुप्ता के आईपी गुप्ता तो जाती है तो वो दे देते हैं। क्या लग रहा है चाची, क्या होगा जमुई में? क्या लग रहा है जमुई में क्या बदलाव देखना चाहते हैं इस बार आप? अरे जहाँ बेटा वहाँ चिराग पासवान, चिराग पासवान के जीजा खड़े हुए हैं यहाँ पे सांसद में एक बार फिर से लड़ने के लिए, क्या कहेंगे? जे आईपी गुप्ता कहेगा वही करेंगे। आईपी गुप्ता को? हाँ जानते हैं। कौन है आईपी गुप्ता? हाँ समाज के है, पतौना हमारे समाज है सब है। अच्छा वे सब के देवे, मतलब उनके कहने पे आप? हाँ उनके देवे। क्यों, क्यों मतलब वो जो कहते वे करवे? क्यों मतलब का है, का है वो जो बोलेंगे वही कीजिएगा? तो वे करवे की करवे, हमरा के सब दम एकदम गरीब ही बेटा, देखो तबे बेटा जहाँ देव सब देते माय देवे और की करो बेटा। अच्छा ना घर ठेकान हो ना रहे ठेकान हो, अब की करो तेहन जन्म जहाँ कहो वहाँ दे देव। चिराग पासवान के जीजा बढ़िया काम करेंगे? हाँ करते ना करेंगे यार, कुछ कुछ न हो बेटा, कौन गरीब का नहीं दह, गरीब के नहीं देखे चाहे 2000 रुपया तो देवे चिराग पासवान देते हमरा के दे दो। अच्छा मुड़ी ना ये 2000 में की हो तो 2000 में जिंदे रहो की? क्या लग रहा है क्या होगा जमुई में इस बार? सब बोलते हमार क्या होगा चाची जमुई में? यह होगा जो कहेगा आईपी गुप्ता वह होगा। आईपी गुप्ता जो कहेंगे सही होगा? हां भाई इतना प्यार आईपी गुप्ता, इतना समर्थन क्यों है? ये क्यों क्यों है? बहुत है संबंधी परिवार है। अच्छा क्या बोल रहे भाई? पूरा पान परिवार है आईपी गुप्ता का, पूरा पान। आईपी गुप्ता जिधर कहेगा उधर हम लोग वोट देंगे, हम लोग विनर वोट है, विनर। अच्छा विनर वोट, गेम चेंजर, गेम चेंजर, निर्णायक, एक घमंड है, मैं खुल के कहता हूँ ये घमंड है। अच्छा हम लोग निर्णायक वोट है, तो मतलब जिधर आईपी गुप्ता कहेंगे उधर ही वोट, जिधर आईपी गुप्ता कहेगा उधर पूरा पान का वोट जाएगा। इतना मुश्किल है जीतना चिराग के जीजा के? बहुत मुश्किल, चिराग के जीजा अरुण भारती को कोई पहचानता है भी नहीं। अच्छा कोई नहीं पहचानता है। अच्छा। बस चिराग को पहचानते हैं? एकदम चिराग को पहचानते हैं, वो कह रहे चिराग के नाम पे वोट पड़ जाएगा। चिराग का नाम पे वोट कैसे पड़ जाएगा?
चिराग के नाम पे कैसे वोट पड़ जाएगा? चिराग जी तो अपना सीट छोड़ दिया, अबरी जान गया क्या? उसका यहाँ से पत्ता साफ हो गया है, इसलिए अबरी यहाँ से वो कट गए हैं। देखिए ग्रामीण जनता है और जिस तरीके से ये आईपी गुप्ता पे भरोसा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आईपी गुप्ता जिधर कहेंगे हमारा वोट जो है उधर ही जाएगा, और चूंकि निर्णायक वोट कह रहे हैं बिठुलपुर के लोग कि हम निर्णायक जनता हैं, निर्णायक वोट हम कर सकते हैं, तो बड़ी लड़ाई इस बार चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती को लड़नी पड़ सकती है, और उतनी ही बड़ी लड़ाई अर्चना रविदास के लिए भी हो सकता है। 2.5 लाख से ज़्यादा वोट बड़ा मायने रखता है, और ये ग्रामीण जनता जिस तरीके से यहाँ पर पहुंची हुई है, और आईपी गुप्ता जो कि पान समाज के एक बड़े नेता हैं और जब भी इस क्षेत्र में आते हैं डाउन टू अर्थ होकर इन सभी जनता से बातचीत करते हैं, मिलते हैं। कुछ और भी युवा साथी इनसे भी बातचीत कर लेना। मैं आपका प्रभु नाम है मेरा। हाँ? प्रभु नाम है मेरा। आप तो युवा हैं, कुछ दिन बाद आप वोटर भी हो जाएंगे, राजनीति तो समझते ही है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या होगा इस बार? देखिए इस बार जो भी होगा वो हमें तो पता नहीं है, अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग का गार्जियन है, हम लोग के लिए लड़ते हैं आईपी गुप्ता जी, वो हम लोग के मतलब कभी भी जरूरत भी पड़ते हैं, कभी भी मुसीबत में साथ देते हैं, तो वो हम लोग को जहाँ बोलेंगे वहाँ वोट देंगे। क्या लग रहा है कि मतलब आईपी गुप्ता को टिकट नहीं दिया गया, एक पान समाज के बड़े जो वोट बैंक है, क्या उसको मतलब दरकिनार कर दिया गया क्या महागठबंधन की तरफ से? दरकिनार कर दिया गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे आईपी गुप्ता को अगर मान सम्मान चिराग पासवान जी देते हैं तो हम लोग उसी के साथ खड़े होंगे, लड़ेंगे। क्या नाम है भाई? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। क्या लग रहा है क्या होगा जमाने? कितनी बड़ी लड़ाई है अर्चना और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती की। लेकिन देखिए लड़ाई तो ठीक बता रहा है, लेकिन हमको आईपी गुप्ता को टिकट नहीं मिल पाए, हमको दुखी है, दुख है, बहुत दुख है। कोई ना हरा पाता, कोई भी चिराग पासवान आए कोई भी आता इनके सामने कोई नहीं टिकता, लेकिन बस आईपी गुप्ता ही जीतता। चलिए देखिए तो एक बड़ी निर्णायक भूमिका में यहाँ के पान समाज, तांती, ततवा, ये तमाम जो समाज के लोग हैं, जनता है, वो ये कह रहे हैं कि इस बार लड़ाई आसान नहीं है अर्चना रविदास के लिए भी और चिराग के जीजा अरुण भारती के लिए भी, क्योंकि चिराग के जीजा अरुण भारती अननोन फेस यहाँ की जनता बता रही है कि हो सकते हैं। इनका कहना यही है कि आईपी गुप्ता जो पान समाज के एक बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो अगर जिधर कहेंगे वोट उधर ही जाएगा, यानी कि निर्णायक भूमिका में जो पान समाज की जनता है वो इस बार जमुई में दिख सकती है। फिलहाल भारत लाइव की चुनावी यात्रा लगातार जारी है, आप भी जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्यार दीजिए, और ये वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।